मुस्कान बेटा उठ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया। यार मम्मी अभी उठती हूँ। रात को चप्पल बेटा उल्टी रखती है, कितनी बार कहा है आपको कि चप्पल उल्टी नहीं रखते, इसी लड़ाइयाँ होती। यार मम्मी बिना डांट के दिल के सवाल हो ही नहीं सकते इस घर में। आजकल के ये बच्चे सीजर लेके आना बेटा। अच्छा मम्मी ला रही हूँ। कितनी बार खाए बेटा कैंची से नहीं खेलते? कैंची से क्यों कर रहे हो बेटा? मम्मी ये सब फालतू की बातें होती है, इससे कुछ नहीं होता, ये सारे सुपरस्टिशन होते हैं, इससे लड़ाइयाँ होती है बेटी, और आप लड़ ही रहे हो मुझसे। यार मम्मी मम्मी मैं जा रही हूँ एग्जाम के लिए, लेट हो रही हूँ। दही चीनी खा के जाओ बेटा, ऐसे नहीं जाते एग्जाम है ना। मम्मी रुक जाओ बेटा, दही चीनी खा के जाओ। यार मम्मी बेटा ये अच्छा शगुन माना जाता है, इसको जरूर खाते हैं। मैं चाय उल्लेख करा रही हूँ। बाय, गुड लक। बाय। और भाई कैसे गए तेरे एग्जाम? यार बहुत ही बकवास किया, तो मोमोज मंगवा। और भाई क्या खा रहे हो? चिकन मोमोज। क्यों, क्या हुआ? चल ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम लोग खाओ एंजॉय करो। यार ये मम्मी बता देगा। कुछ नहीं बताएगा भाई। यार ये बताएगा। नहीं बताएगा। अरे यार पता नहीं यार। बच्चों चलो आओ। Awesome.
मम्मी ये तो कॉलेज के बाद चिकन मोमोज खा रही थी। मम्मी ने मुझे कितनी बार समझाया मत बोला कर। मैंने कितनी बार कहा है ट्यूसडे को चिकन नहीं खाते। मम्मी इससे कुछ नहीं होता है, आजकल के बच्चे मानते ही नहीं है। अरे मुस्कान जल्दी आ जा यार, फिर तरंग के घर भी जाना है। मम्मी हम जा रहे हैं। अच्छा बच्चों क्या खा रहा है तू? चिकन। आज चिकन तो खा रहा है क्यों? आज तो ट्यूसडे भी नहीं है, सैटरडे तो है ना। लेकिन तो अब इनसे बातें कौन मिले पड़ता है आजकल। भाई तूने जो करना है कर, तूने कभी आशा में बात मानी? माननी नहीं तेरे कभी, जो करना कर। दिस डोगमा केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज़ आवर बॉडी नीड्स जस्ट अ लिटिल अमाउंट ऑफ मीट। क्योंकि ईटिंग एक्सेसिव मीट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड इट कैन कॉज डिजीज लाइक किडनी स्टोन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पाइल्स। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को चिकन नहीं खाना चाहिए। बट इसका एक और रीजन है कि हिंदुइज्म में किलिंग ऑफ एनिमल्स इज अ सिन। और मुस्कान इतने दिन बाद खाएगी? चोपी तो बना ले। पॉपकॉर्न बना लूं? खाएगी हाँ। बढ़िया ये खाती भी खाते? हाँ मैं खा लेती हूँ। बढ़िया खाना की क्या कर रहे हैं ऐसे कैंची यूज नहीं करते हुए मतलब में। अबे तू कब से मानने लगी? अरे ऐसी लड़ाई होती है ऐसे यूज नहीं करते। अब ऐसे कहूंगी तो मम्मी ने सिखा दिया ही मेरे को। अरे इसके पीछे का रीजन क्या है? ये है कि पहले जमाने में कैंचियों की शार्प एज हुआ करती थी और आजकल वो नहीं होती है, और साथ साथ खेलते हुए इसकी शार्पनेस गायब हो जाती थी और आजकल ये नहीं होता है। और ऑब्वियसली ये कोई खिलौना तो है नहीं खेलने वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ वेपन नॉट अ गेम। यार मुझे अपने इंटरव्यू की डेट चेक करनी थी। तो लैपटॉप में देख ले। मम्मी मेरी इंटरव्यू की डेट 13 है। 13? 13 तो बड़ा लकी नंबर होता है बेटा। मम्मी मेरे को थोड़ी पता था 13 डेट मिलेगी। अरे 13 नहीं मिली थी। अरे मम्मी इस सुपरस्टिशन के पीछे का रीजन ये है कि पहले जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी और नेल कटर भी अवेलेबल नहीं हुआ करता था। लोग किसी शार्प इक्विपमेंट से अपने नेल्स काटे करते थे और वो खुद ही को नुकसान पहुंचा लेते थे, तो इस चक्कर में आपको नेल्स काटने से मना करते हैं। I'm Muskan. I'm pursuing Bachelor's of Journalism and Mass Communication from Vivekananda Institute of Professional Studies. Congratulations, you are selected. You will get further details through mail. Thank you so much, sir. मम्मी मैं सिलेक्ट हो गई।